हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम है विश्वजीत डेग जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे 1940 की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, बोजदिर कजिक वर्सेस बी वुकोविक। फ्रेंड्स, दोनों ही खिलाड़ी यूगोस्लाविया के थे। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की एक गेम है। मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ। यहाँ e4 के साथ बोजदिर ने शुरू किया, e5। यहाँ वुकोविक ने खेला नाइट f3, नाइट c6, बिशप c4, इटालियन गेम, नाइट f6, देन हुआ d4, e takes d4, कैसल। यहाँ व्हाइट ने किया बिशप c5, ब्लैक भी कैसल करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले व्हाइट ने अपने ई पॉन को आगे पुश किया। तो ब्लैक ने यहाँ अपने डी पॉन को आगे पुश करके व्हाइट के इस बिशप पर अटैक बनाया। e takes f6, d takes c4, रुक e1 चेक। सबसे पहले तो एक चेक आई। इस चेक का क्या डिफेंस है? एक तो डिफेंस है बिशप को e6 स्क्वायर पर लाया जाए, लेकिन उसके बाद व्हाइट यहाँ अपने नाइट को g5 स्क्वायर पर ले जाकर इस e6 स्क्वायर पर प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है, वो अपने किंग को मूव करेगा f8 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप g5, और इरादा क्या है? पॉन से एक चेक देकर यहाँ क्वीन को लेने का। तो ब्लैक ने पहले किया g takes f6, वापस बिशप पर अटैक बनाया। बिशप h6 चेक, तो किंग यहाँ से गया g8 स्क्वायर पर। देन नाइट गया c3 स्क्वायर पर, और यहाँ इस d4 पॉन के पिन होने का पूरा फायदा उठाया अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए। बिशप g4, फाइनली ये नाइट यहाँ पिन कर ही दिया गया है। तो नाइट e4 का मूव ऑब्वियस है जो यहाँ पर व्हाइट को चलना है, और इरादा क्या है यहाँ इस पॉन को लेकर फॉक या चेकमेट करने का। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ व्हाइट के लिए कि क्वीन का डिफेंस यहाँ भी f6 स्क्वायर पर है, लेकिन ब्लैक को यहाँ इस डेंजरस चेकमेटिंग अटैक को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। उन्हें अपने बिशप को f8 स्क्वायर पर ले जाकर प्रेशर को ईज आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। फोर्सफुली बिशप एक्सचेंज करने पड़ते और ब्लैक की लाइफ ईजी रहती। लेकिन यहाँ b6 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना। b6 के मूव से उन्होंने अपने बिशप पर तो डिफेंस कर लिया है, लेकिन गेम में और ज्यादा वीकनेस आ चुकी है। व्हाइट ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया, देन हुआ नाइट e5। नाइट e5 का मतलब f3 स्क्वायर पर और ज्यादा प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर बोजदिर का डेडली अटैक आया। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन सेक्रीफाइस की, नाइट टेक्स e5, और इस अनडिफेंडेड बिशप पर भी अटैक बना। ऑब्वियस है f takes e5 का मतलब चेकमेट होता है गेम में, क्योंकि क्वीन टेक g4 चेक होगा, क्वीन बीच में लग गई, देन क्वीन टेक g5 चेक और ये मेट हो गया। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स d1। इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि खतरा नजर आ भी नहीं रहा था। लेकिन नाइट d7, और नाइट के d7 स्क्वायर पर आने के बाद थ्रेट क्या है यहाँ? ये नाइट सेक्रीफाइस, व्हाइट सीधा सीधा इस f6 पॉन को लेगा और चेकमेट करेगा। फ्लॉक होगी वैसे किंग क्वीन पर, लेकिन चेकमेट तो होगी होगी। पर अब इस चेकमेट से बचने का क्या तरीका है जो f6 स्क्वायर पर पहुंच चुकी है? बिशप e7, आई थिंक दिस इज द बेस्ट मूव। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हुआ नाइट टेक्स f6 विद अ चेक। बिशप टेक्स f6 करना ही पड़ा, और फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगा कि अब तो इस नाइट से चेकमेट कम से कम नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ व्हाइट के पास एक और मूव था, उन्होंने यहाँ किया रुक e8 चेक, अपना रुक सेक्रीफाइस किया है, या बिल्कुल सही कहूँ तो क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाया है यहाँ f6 स्क्वायर पर रखे हुए बिशप की डिफेंस से। क्वीन टेक c8 फोर्स हो गया है, और फाइनल मूव था यहाँ बोजदिर कजिक का नाइट टेक्स f6 चेक, और यहाँ ये चेकमेट करने के लिए बिशप और नाइट, बस यही दो पीस काफी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को विश्वजीत डे जी के द्वारा बताई गई गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।